नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हमारा आज कोई भी वीडियो बनाने का इंडिपेंडेंट टीवी के ऊपर कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन हमारे पास दो दिन पहले हमारे एक व्यूवर्स का मैसेज आया था, जो कि हमने एक पोस्ट अपलोड की थी, एक स्टोरी अपलोड की थी कि इंडिपेंडेंट टीवी ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। उसके ऊपर हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स हैं जो कि हमारे प्रत्येक वीडियो को वॉच करते हैं और हमारे हर वीडियोस के अंदर वो कमेंट्स करके हमें इंटीमेट करते हैं कि उनको वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन मिली और उनको वीडियो कितना अच्छा लगा, सारी जानकारी वो हमें रिप्लाई कर जरूर बताते हैं। तो देखिए, उन्होंने हमारी स्टोरी के ऊपर एक कमेंट्स किया था और उस कमेंट्स में उन्हें हमें लिखा था कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा इंडिपेंडेंट टीवी वाला तक पहुँचाने चाहते हैं। क्या वो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफी मैसेज के द्वारा आ चुकी है अभी तक, यानी कि 15 से 20 लोगों ने हमें एक ही चीज पूछी है कि इंडिपेंडेंट टीवी के हम नए यूजर हैं, हमने नए उपभोक्ता हैं इंडिपेंडेंट टीवी के, तो क्या हमें रिफंड मिलेगा और मिलेगा तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये भी जानकारी हमें सोचा हम आपको वीडियो बनाकर क्यों ना इंटीमेट सभी को एक साथ कर दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किन इंडिपेंडेंट टीवी के नए यूजर को रिफंड मिलेगा और मिलेगा तो उनको क्या करना होगा, क्या वो प्रोसेस होगा, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना बोल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हमने एक पोस्ट अपलोड की थी दो दिन पहले और उस पोस्ट में हमने एक स्टोरी अपलोड की थी कि इंडिपेंडेंट टीवी ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। तो उसके अंदर हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक रिप्लाई किया कमेंट्स के माध्यम से। वो हमारे सारे वीडियोस को वॉच करते हैं इंडिपेंडेंट टीवी के जो भी हम अपलोड करते हैं, और वो कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन खोजते रहते हैं हमारे प्रत्येक वीडियोस के अंदर जो कि उनके लिए वरदान साबित हो सके। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, उन्होंने रिप्लाई किया हमें कि इंडिपेंडेंट टीवी वालों के पास हमारे एक मैसेज आप पहुंचा दीजिए। तो वो मैसेज क्या है वो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो उन्होंने हमें रिप्लाई किया, वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं शायद, जैसे कि उन्होंने मैसेज के अंदर लिखा। वो बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट टीवी के अंदर उन्होंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और जो 4 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए वो एक लोन लेकर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, और जहां से उन्होंने लोन लिया वो बार बार उनके पास आकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और वो लोन चुकाने में सक्षम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट टीवी वालों तक मैं ये बात उनकी पहुंचाऊं और इंडिपेंडेंट टीवी वाले उनके पास बिल्कुल रिप्लाई करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो एक आगे लिख रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को स्टार्ट नहीं करता है तो इंडिपेंडेंट टीवी के ऊपर वो लेटर लिखकर, इंडिपेंडेंट टीवी के नाम वो लेटर लिखकर, और वो आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी वो इन्फॉर्मेशन इस मैसेज के द्वारा इंडिपेंडेंट टीवी वालों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसा कोई भी आप डिसीजन मत लीजिए इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस के ऊपर। ये दो दिन तक मैंने काफी इसके ऊपर ये मान लीजिए सूचना इकट्ठा करी है इंडिपेंडेंट टीवी की, इसी के बाद में मैंने ये डिले कर दिया दो दिन तक इस वीडियो को बनाने में। और मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट टीवी की जो सर्विस है हमारी बिल्कुल से 101%, यानी कि मैं ये बिल्कुल 1001% बोल रहा हूँ कि हमारी इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी स्टार्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंट टीवी की कुछ हमारे वेरिफिकेशन ड्यूज चल रहे हैं। वो वेरिफिकेशन मैं आपको बता दूं किसके रिगार्डिंग चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट टीवी के पास पैसा है, इंडिपेंडेंट टीवी पैसा देना चाह रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट टीवी पैसा चाहकर भी पे नहीं कर पा रहा, चाहे वो एंट्रिक्स हो, चाहे वो बैंक गारंटी हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे वो चैनल्स के कुछ ड्यूज हो। तो इंडिपेंडेंट टीवी के पास पैसा होने के बाद में भी इंडिपेंडेंट टीवी पैसा नहीं पे कर पा रहा। ये एक अलग बात है कि इंडिपेंडेंट टीवी ने पहले क्यों नहीं दिया और अब वो क्यों देना चाह रहा है। तो देखिए, ये एक अलग मैटर है कि इंडिपेंडेंट टीवी का अब यानी कि एक प्रकार से पानी गले तक आ चुका है, तब इंडिपेंडेंट टीवी पैसा सामने वाले पर्सन को देना चाहता है, चाहे वो पर्सन एंट्रिक्स, ब्रॉडकास्टर या फिर हमारा बैंक गारंटी हो या चैनल हो, इनको भी वो पे करना है, वो देने को तैयार है। लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि गवर्नमेंट ने की तरफ से जो भी इंडिपेंडेंट टीवी के जो बैंक्स अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। जब तक वो बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा
तब तक इंडिपेंडेंट टीवी इन पार्टीज को पैसा नहीं दे पाएगा, उसके साथ नया कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा। अब देखिए अनफ्रीज की बात है, तो अनफ्रीज की इंफॉर्मेशन भी हमने इकट्ठा करी कि अनफ्रीज कब तक हो जाएगा, तो यही इंफॉर्मेशन हमारे को दी गई कि जो अनफ्रीज की जो प्रॉब्लम है, अनफ्रीज की जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे यानी कि 4 सप्ताह तक हमारे कुछ वेरिफिकेशन हमारे ड्यूज हैं, वो वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाएंगे। अब वो वेरिफिकेशन किन के बीच में, एंट्रिक्स के बीच में, बैंक गारंटी के बीच में, या फिर ब्रॉडकास्टर के बीच में, या इंडिपेंडेंट टीवी के, जो भी है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताएगी, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि कुछ हमारे वेरिफिकेशन ड्यूज हैं, जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है, चाहे वो एग्रीमेंट को लेकर हो या किसी को भी लेकर हो, तो जैसे वेरिफिकेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी स्टार्ट होने को रेडी हो जाएगी, और उससे पहले हमारे फ्रीज अनफ्रीज अकाउंट होते ही हम पेमेंट हमारा क्लियर कर देंगे, उसके बाद में हमारे को सर्विस देखने को मिलने वाली है। तो देखिए यानी कि उन्होंने 4 वीक का समय बताया था, 4 वीक का मतलब उन्होंने बोला कि 2 सप्ताह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 2रा सप्ताह हमारा कंप्लीट हो चुका है आज, और 2 सप्ताह हमारे बाकी हैं, तो 2 सप्ताह हमारे जा चुके हैं, 2 सप्ताह आपको इंतजार करना है, तो 2 सप्ताह और इंतजार कर लीजिए, 2 सप्ताह के बाद में आपको रिजल्ट आपको पता लग जाएगा, इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस स्टार्ट होगी और 1001% हमारी स्टार्ट होगी। आप इसी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी गलत एक्शन आप मत लीजिए, इंडिपेंडेंट टीवी वालों के पास अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो बिल्कुल इन शॉर्ट एंड स्वीट आपको मैं तरीका बता देता हूं, आपको इंडिपेंडेंट टीवी के साइट्स पर जाना है और इंडिपेंडेंट टीवी वालों को आपको मेल करना है, मेल आप बिल्कुल करोगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मुझे लिखकर आप दे रहे हो वही इन्फॉर्मेशन अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हो तो बिल्कुल आपके पास विद इन 24 to 48 आवर में आपके पास रिप्लाई आएगा इंडिपेंडेंट टीवी के बैकएंड टीम का, और वो आपको बिल्कुल कॉल भी करेंगे, ये हमने बिल्कुल आजमाई है ये तरकीब, और हमारे पास बिल्कुल बैकएंड टीम के पास से रिप्लाई आया, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन उनको जाननी है, जो भी आपको रिफंड के बारे में जानना है, सर्विस के बारे में जानना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो बिल्कुल करेक्ट देंगे। तो ये देखिए आप ये तरीका भी आजमा सकते हो। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप के ऊपर, तो देखिए काफी लोगों को मैसेज आ रहे हैं, वो काफी लोग तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, काफी मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं जो कि हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और वो हमसे ये चीज क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्वेश्चन पुटअप हमारे से किया कि हमारे जो नए अकाउंट है, हमारा नए यूजर है, हमने यानी कि इंडिपेंडेंट टीवी नया ही परचेज किया है, तो हमारे को नए यूजर को रिफंड मिल रहा है, तो कैसे वो मिले हमें, उसके लिए हम क्या करें, क्या प्रोसेस करें, उस वीडियोस में हमने काफी वीडियोस में हमने देखा, तो उस वीडियो में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी रिफंड के रिगार्डिंग कि रिफंड आपको किस प्रकार से प्राप्त करना है, केवल यही बताया गया है कि रिफंड मिल रहा है, नए उपभोक्ताओं को रिफंड मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट टीवी के चाहे आप नए उपभोक्ता हो चाहे पुराने उपभोक्ता हो, नया और पुराना कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ता हो आप, नए या पुराने से मतलब नहीं है, उपभोक्ता हो आप, कंज्यूमर हो इंडिपेंडेंट टीवी के, न्यू और ओल्ड से कोई मतलब नहीं है उनको, यानी कि आपने 1 साल पहले परचेज किया हो तो भी आप कस्टमर हो इंडिपेंडेंट टीवी के, आपने 2 महीने पहले परचेज किया तो भी आप इंडिपेंडेंट टीवी के कस्टमर्स हो, यानी कि एक आप उपभोक्ता कहलाओगे इंडिपेंडेंट टीवी के, नए या पुराने से कोई मतलब नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के अंदर दी जा रही है वो बिल्कुल गलत दी जा रही है, और रिफंड की बात अगर हम करते हैं तो देखिए रिफंड आपको बिल्कुल से नहीं मिलने वाला। हाँ सर्विस आपकी जरूर स्टार्ट कर दी जाएगी थोड़े ही समय में, इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ, और यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि हमारी जो सर्विस है वो हमारी स्टार्ट कर दी जाएगी, रिफंड आपको नहीं मिलेगा। जहां पर भी आपने देखा है वो बिल्कुल फेक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो देखिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बिल्कुल आपको रॉन्ग मिल रही है, इस प्रकार की कोई भी पॉलिसीज में नहीं है इंडिपेंडेंट टीवी के कि वो आपको नए उपभोक्ता को रिफंड कर दे और पुराने उपभोक्ता को वो रिफंड नहीं करे, तो ऐसा कोई भी नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो बिल्कुल गलत है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ सर्विस आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और देखिए रिफंड की अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं है आपको, तो आप इंडिपेंडेंट टीवी के साइट्स पर जाकर इंडिपेंडेंट टीवी को मेल करिए, आपके पास कॉल आएगा इंडिपेंडेंट टीवी का या आपके पास रिप्लाई आएगा, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों यही 2 लेक्स थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए
ताकि सभी इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ताओं के पता लग सके कि जो इंडिपेंडेंट टीवी के जो रिफंड से संबंधित उनके कुछ दुविधा उत्पन्न हो रही है कि नए उपभोक्ताओं को मिलेगा पुराने को नहीं मिलेगा, ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और उनको भी पता लग जाए कि इंडिपेंडेंट टीवी का नया या पुराना उपभोक्ता कोई नहीं होता, जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता है, चाहे वो न्यू हो चाहे पुराना हो, उसको रिफंड नहीं मिलने वाला। सर्विस जरूर हमारी बहुत जल्द हमारी स्टार्ट होने वाली है, जिसका हमारे 4 वीक का टाइम था, 2 चले गए 2 बाकी हैं, यानी कि बहुत जल्द हमें टीवी हमारे को देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।